निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और शासन द्वारा रोकी गई नगर निगम की ग्रांट के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के पार्षद और सपा कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। में व्याप्त भ्रष्टाचार और शासन द्वारा रोकी गई नगर निगम की ग्रांट के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के पार्षदों एवं सपा कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम से सुभाष राय तक यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर आज सपा कार्यकर्ता हाथों में कटोरे लिए हुए दुकानदारों से भीख मांगते नजर आए। उनका कहना है कि ये भीख के पैसे इकट्ठे करके नगर निगम के अधिकारियों को दिए जाएंगे, जिससे वह नगर में विकास कराएं। साफ तौर पर सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शासन ने ग्रांट रोक दी है, हमारी सरकार में ग्रांट बदस्तूर मिल रही थी, विकास कार्य हो रहे थे, जनता की सुनवाई हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न और जनता का शोषण किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिना कमीशन के कोई चेक पास नहीं करते, बिना कमीशन के कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनता त्राही त्राही किए हुए है। फिरोजाबाद में नगर निगम में व्याप्त कुरूतियों के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और पार्षद मिलकर भीख मांग कार्यक्रम रखा है। भीख मांग कर वह नगर निगम के विकास कार्य को कराएंगे, ऐसा उनका कहना है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष से। जी सर, किस तरह का ये कार्यक्रम और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आज भीख मांग कर ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये महापौर और उनकी सरकार विकास विरोधी सरकार है। समाजवादी पार्टी सरकार में इतना पैसा आया था यहाँ के, हर महीने 50 करोड़ रुपये के पैकेज आते थे, लेकिन इस सरकार में जो एक ग्रांट मिलती थी हमको 1.25 करोड़ रुपये महीने की, वो भी काट दी गई है। हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, शहर की जनता पानी के लिए त्राई त्राई कर रही है। महापौर कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, खूब हम विरोध करते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रंगती। इसके लिए आज सभी पार्टी के पार्षद, अन्य पार्षद, सभी पार्टी कार्यकर्ता, व्यापार मंडल के लोग हम भीख मांग रहे हैं शहर में। अच्छा, इस भीख के जो पैसे से क्या करेंगे आप? हम इस विकास विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, व्यापार विरोधी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, अगर आप पूर्ण सत्ता में होने के बावजूद भी अगर फिरोजाबाद को विकास नहीं दे पा रहे हैं, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग विपक्ष में रह के भी आपका सहयोग कर सकते हैं। आम जनता के बीच जाकर हम उनके सीधे पैसे को लेकर, आप भी देते हो टैक्स के रूप में, जनता तो देती है, मगर ये लोग ऊपर ही खा जाते हैं। हम डायरेक्ट जनता से पैसा लेकर नगर निगम को देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इन पैसों से हमारे लिए विकास कराया जाए। और ये हम शहर की जनता को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, जो आज शहर की जनता हमारा सहयोग करेगी, 10 रुपये को हम 100 रुपये के रूप में लौटाएंगे। हो सकता है इस सरकार में ना लौटा पाएं, मगर जब समाजवादी सरकार होगी तो आपके इस रुपये को इस 10 रुपये के रूप में लौटाने का काम करेंगे। साफ तौर पर फिरोजाबाद में जिस तरह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भीख मांग कर सरकार फिरोजाबाद के विकास के लिए एक तरह से बीड़ा उठाना पड़ा है, और जिस तरह सरकार भले ही तमाम बातों की दावेबाजी करती हो, दावे देती हो, लेकिन फिरोजाबाद में वास्तव में विकास से वंचित रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस आंदोलन पर